एक सज्जन ने कहा कि सब लोग तो बड़े प्रसन्न थे कि धनुष टूट गया, लेकिन एक व्यक्ति तो दुखी होगा। बोले कौन? बोले वो बेचारा धनुष जो टूट गया, उसको तो दुख हुआ होगा कि हम तोड़ दिए गए। लेकिन उस धनुष ने कहा, नहीं नहीं हम भी सुखी हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं। बोले क्यों? धनुष ने कहा, जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे। क्यों? बोले धनुष से बाण चलते हैं और बाण दूसरे का प्राण ले लेता। धनुष ने कहा, जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, लेकिन आज जब हम टूटे हैं तो दो को जोड़ करके टूटे हैं, इसलिए मेरा टूटना भी सार्थक है, मैं भी प्रसन्न हूं। धनुष ने कहा, हम भी प्रसन्न हैं। लोगों ने कहा, प्रसन्न तो हो लेकिन आज इस भरी सभा में तुम इतने हल्के हो गए। अरे सभा में तो व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए। सभा में जो अपनी गंभीरता को खो दे वो सभा में बैठने लायक नहीं होता। सभा में तो गांभीर्य का ही महत्व। लोगों ने उकसाया, मानो कुछ लोग होते हैं ना कि न भी व्यक्ति को समझ में आवे तो उसको कुछ ना कुछ उल्टा समझाते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई सभा में तुम इतने हल्के हो गए, तुम्हारा तो हल्कापन सिद्ध हो गया, राम जी ने तुमको ऐसे ही उठा लिया। तो धनुष ने कहा, हल्के तो हम हो गए लेकिन किसी राजा से किसी ऐरे गैरे के द्वारा हम नहीं उठे। अगर मुझे उठाया तो रघुनंदन राम ने उठाया है, किसी साधारण पुरुष ने नहीं उठाया है, इसलिए मेरी महिमा में कोई कमी नहीं हुई। लोगों ने कहा कि राम जी ने तो तुमको उठाया लेकिन भरी सभा में तुमको तोड़कर जमीन पर डाल दिया। तुम तोड़ दिए गए और जमीन पर डाल दिए गए। धनुष ने कहा, हम टूटे तो दो को जोड़ करके टूटे, और उठे तो राम जी के हाथ से उठे, और गिरे भी तो राम जी के चरणों में गिरे, कहीं अन्यत्र नहीं गिरे, इसलिए मेरा गिरना भी सार्थक है, मैं तो प्रसन्न हूं। धनुष बड़ा प्रसन्न हुआ। संत जन कहते हैं कि बड़े बड़े राजा आए लेकिन धनुष क्यों नहीं उठा। बोले धनुष इसलिए नहीं उठा कि धनुष को भगवती भूदेवी ने पकड़ रखा था। पृथ्वी कौन है? बोले भूदेवी, भगवती पृथ्वी सीता जी की मां है। सीता जी की मां भगवती भूदेवी ने सोचा कि मेरी बेटी के योग्य जब दुल्हा आएगा तब मैं धनुष को छोड़ूंगी, और इसीलिए भूदेवी ने धनुष को पकड़ रखा था। बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई उठा नहीं पाए। जब राम जी आए तो भगवती भूदेवी ने धनुष को छोड़ दिया। ये अच्छे हैं, यही उठा ले, इन्हीं के द्वारा धनुष टूटे और मेरी बेटी इनकी भारिया हो। और राम जी ने धनुष उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, टूटो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मानो भगवान शंकर ने उस धनुष को पहले से सिखा करके रखा था कि देखो कोई भी राजा आवे तो तुम उठना मत, लेकिन राम जी जब तुमको उठावे तो उनके हाथ में जाते ही तुम टूट जाना। ये भगवान शंकर ने मानो उस धनुष को पहले से ही सिखा करके रखा था। तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो। मानो पहले से भगवान शंकर ने उस धनुष को सिखा रखा था, और वास्तव में राम जी ने तो धनुष तोड़ा ही नहीं, वो तो राम जी के हाथ में आकर के अपने आप टूट गया। राम जी को तोड़ना भी नहीं। क्यों? बोले राम जी तोड़ते ही नहीं, राम जी तो जोड़ने का काम करते हैं, राम जी तोड़ने का काम नहीं करते, इसलिए धनुष को राम जी ने तोड़ा ही नहीं, वो तो अपने आप टूट गया। इसीलिए तो परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी ने यही कहा कि छुवत टूट, छुवत टूट रघुपति न दोष, छुवत टूट रघुपति न दोष, मूली बिनु काज करिय कत रोष, मूली बिनु काज करिय छुवत टूटे रघुपति।
धनुष टूट गया। तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही छूते। और एक कारण और भी था जिसका वर्णन श्री हनुमान जी महाराज ने किया है। हनुमान नाटकम नाम के ग्रंथ में एक बड़ा अद्भुत भाव श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वो धनुष भगवान शंकर का धनुष था और उस धनुष से कितने जीवों की हत्या हुई थी। तो धनुष ने सोचा कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने कहां जाऊं। पाप का प्रायश्चित करने के लिए लोग तीर्थ में जाते हैं, तो धनुष तो किसी तीर्थ में भी नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास चलने का सामर्थ्य नहीं है, चलने के पैर भी नहीं, कोई ले जाए तो जाए बेचारा। तो धनुष ने सोचा कि किसी तीर्थ में जाकर के मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं। और तीर्थ की महिमा है कि तीर्थ में जाकर पापी से पापी प्राणी अगर तीर्थ में अपने प्राण का त्याग कर दे तो पाप से मुक्त हो जाता है। अवध तजे तनु नहीं संसार, काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरो तो मुक्ति मिल जाए। तो तीर्थ की अपनी महिमा है। तो धनुष ने सोचा कि किसी तीर्थ में जाकर के मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं, यह संभव नहीं। लेकिन भगवान के भक्तों के जो आश्रित होता है ना, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जहां रहता है तीर्थ वहीं आ जाते हैं, तीर्थ वहीं चल करके आ जाते हैं। वो धनुष भी साधारण नहीं था, भगवान के परम भक्त माहेश्वर शिव का धनुष था, भगवान के भक्त के आश्रित था। इसलिए भगवान स्वयं चल करके वहां पहुंच गए तीर्थ स्वरूप परमात्मा। और भगवान ने जब धनुष को उठाया तो भगवान के कर कमल रूपी तीर्थ में आकर के धनुष ने स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थ। ऐशम धनु, भगवान शिव का वो पवित्र धनुष निज पुरश्चरणाय नूनम अपने पापों का मानो प्रायश्चित करने के लिए, देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे, रघुनंदन के कर कमल रूपी तीर्थ में आकर के उस धनुष ने अपने प्राणों को त्याग दिया, स्वयं टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोषो, धनुष टूट गया। जय जय सीताराम।